अबे गधे, तुमको अगर थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है तो तुम क्यों YouTube पे वीडियो बनाते हो। स्वागत है आप सबका अपना चैनल क्लीन भोजपुरी में। तो वीडियो को आगे देखने से पहले लाइक करिएगा, और अगर आप लोग नए नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक ऐसा गधा जिसके बारे में मतलब क्या बोला जाए, ना तो थोड़ा सा नॉलेज है, ना कुछ देखता है, ना रिसर्च करता है, डायरेक्ट यूट्यूब पे आके पवन सिंह को नीचे दिखाने के लिए बोलने लगता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि एक गधा है और मैं उसको बोल रहा हूं कि बाबू, अगर तुमको, वैसे तो तुम बहुत दिन से YouTube पे वीडियो बना रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर नॉलेज नहीं है तो क्यों YouTube पे बना रहे हो, क्यों बेकार का भौंकते रहते हो। ये बोल रहा है कि अपने दम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में किन किन सिंगरों ने 1 मिलियन लाइक अचीव किया है। तो मैं आप सबको बता दूं कि इसने एक चीज बोला कि अवनीश बाबू हैं जिनका गाना है तू हंस के बोलू ये जान, इकलौते सिंगर हैं जिनका गाना जो है 1 मिलियन हुआ है, और राकेश मिश्रा जी का गाना। चलो मैं इस चीज को मान लेता हूं कि हाँ, और इसको अप्रिशिएट भी करता हूं कि ये गाना जो है वो 1 मिलियन हो गया है, तू हंस के बोलू ये जान, दिलवा के दर्द बढ़ गई, और काफी बढ़िया गाना है, हर जगह ये बजता है, सब लोग सुन भी रहे हैं। और दूसरा कि तुम राकेश मिश्रा के बारे में बोल रहे हो कि उनका 1 मिलियन पुरने वाला है, वो भी सच बात है, क्योंकि 980,000 उनका भी हो गया है। लेकिन तीसरा बात इसने क्या बोला है कि एक सिंगर है वो पवन सिंह को टारगेट करके कि वो पायल देव के साथ गाए हैं, और पायल देव का चुटकी का काम है कि वो 1 मिलियन लाइक अचीव कर ले। सबसे पहले एक बात बता गधा, अगर पायल देव का चुटकी का काम है कि 1 मिलियन लाइक का, तो उनके साथ गाने वाला और पवन सिंह का चुटकी का काम है कि पायल देव के साथ गा सके। तुम जिसका तारीफ दिन रात करते रहते हो, ढिंढोरा पीटते रहते हो, कभी उसको तो नहीं पूछे पायल देव, तो फिर तुम्हारी मिर्ची क्यों लग रहा है। और उतना काबिलियत है पवन सिंह में तब तो वो पायल देव के साथ गा रहे हैं, है? और इसने बोला है कि पायल देव के गानों में 5-5 मिलियन होता है। अबे भोसड़ी के, तुमको थोड़ा सा भी मतलब सेंस है। इसने गेंदा फूल एक था ना गाना आया हुआ था, जो बंगाली गाने को डब किया गया था, बादशाह गाए थे, उस गाने को दिखा के कंपेयर कर रहा है कमरिया हिला रही से। तो मैं तुमको बता दूं कि उसमें इतना बड़ा स्टार बादशाह है कि अगर पायल देव ना भी होते ना तो उस गाने का लाइक 5 मिलियन से कम नहीं होता। और एक चीज और, उस गाने का व्यूज है 720 मिलियन, और जिस गाने को तुम दिखा रहे हो कि 1 मिलियन लाइक है तो उस गाने का व्यूज है 75 मिलियन। अब 10 गुना कम है, समथिंग 9-9.5 गुना तो हो ही जाएगा। अब उस गाने पे 1 मिलियन है और जिस गाने पे 720 मिलियन है, अगर 75 × 9 कर दिया जाए तब जाके 720 मिलियन के आसपास पहुंचेगा, और उस हिसाब से इस गाने पे जो कमरिया हिला रही पे लाइक जो है बहुत ज्यादा है, समझा? तो बेवकूफी का काम मत करो। और एक चीज ये तो भूल ही गया कि रितेश पांडे जी का गाना जो था वो हेलो कौन, उसमें 25 लाख लाइक है, तो उसके बारे में कौन बताएगा। ये इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि इन लोगों को बहुत जल्द जो है, रितेश पांडे अभी अभी हाल फिलहाल में इतना रेल दिए हैं कि इन लोगों का याददाश्त जो है कमजोर हो गया है, तो उसका भी हेलो कौन को भी याद कर लो कि वो भी भोजपुरी सिंगर ही है, और उनका भी व्यू जो है वो, व्यूज तो छोड़ो, व्यूज का तो बात ही नहीं हो रहा, उनका लाइक जो है वो 25 लाख यानी कि 2.5 मिलियन के आसपास में है। तो अब बताओ, तेरा पापा का तो एक भी नहीं है तो जलेगा ही। उम्मीद करता है कि आप सब लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले